हमें हर छोटा बड़ा याद रहता है, कोई हमें जॉब पे लगा ले हमें याद रहता है, किसी ने किसी मामले में हमारी टीम में हमें कॉपरेट किया हमें वो बंदा याद रहता है, कोई हमारा रिश्ता भी करा दे वो बंदा हमें याद रहता है, मगर अफसोस सद अफसोस हमें अपने वालिदैन जो हैं वो याद नहीं रहते, वो जिंदा रहते हैं, हम हर लम्हा उन्हें डिग्रेड करते हैं, हम उन्हें हर लम्हा डिस्करेज करते हैं, उनकी तजलील उनको बेवकूफ करना, बेवकूफ करके बस्ती वालों के सामने साबित करना, बेवकूफ करके अपने फ्रेंड्स के सामने साबित करना, ये हमारी जिंदगियों का पतीरा बनकर रह गया है। हमें नहीं पता ये वालिदैन कौन है, अगर कोई बाप हमारा हमारा बाप हमें डांट डपट करता है मजबूरन हमें अगर बर्दाश्त करना पड़ जाए थोड़ी देर के लिए, तो जैसे ही अब्बास का एक तरफ होता है हम अपने दोस्त को बताते हैं पागल की है, सीधा दिमाग खराब की है, क्या वाला आदमी है, अनपढ़ है, नहीं गंवार है, जाए आदमी बकवास कर रहा, आप माइंड ना करना, आया इसके बारे में बाप के बारे में माँ के बारे में, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वालिदैन का साया तुम्हारे लिए बायस रहमत है, इनका वजूद सरापा रहमत है, और आप यकीन करें इतनी बड़ी नेमत तो है कि जिनके सिर्फ चेहरों की तिलावत करना, अल्लाह चेहरों की तिलावत करना हज मकबूल का सवाब, और रसूल कोनैन सल्लम की बारगाह में अगर अर्ज किया जाए या रसूलुल्लाह सल्लम अगर हम एक दिन में 100 मरतबा अपने वालिदैन के चेहरों को देखें तो फिर क्या हुक्म है, माफू फरमाए सहाबी अल्लाह की इज्जत की कसम जो एक दिन में 100 मरतबा मोहब्बत भरी नजर से वालिदैन के चेहरों को देख ले रब्बे करीम खुश होकर एक दिन में 100 मकबूल हज्जों का सवाब अदा फरमाता है। इतनी बड़ी नेमत है, आजकल हज बंद हुआ हुआ है, लोग परेशान है कि किसी तरह से अरमैन शरीफ बहन के दरवाजे खुल जाए, दुआ करो खुल जाए सब कुछ, अरमैन शरीफ बहन के दरवाजे खुल जाए हम जाकर उमरा करें हम जाके हज करें, कितने अफसोस की बात है, बंदे को वो उमरा और वो हज याद रहता है, बंदे को ये हज नहीं रहता याद जो मेरे नबी ने हज उठाकर घर के अंदर रख दिया, यहाँ हाजी लाखों रुपया खर्च करके स्ट्रगल करके बच्चों को छोड़ कारोबार जिंदगी मुअत्तल कर फिर वो जाता है उमरा और हज की शहादत हासिल करने के लिए, और वो भी पता नहीं कबूल हुआ है कि नहीं हुआ, वो बेनियाज है, मगर दूसरी तरफ फरमाया इनके चेहरों को प्यार की नजर से देखो हज मकबूल का सवाब है, कोई रुपया नहीं लगा, कोई खर्चा नहीं होया, पैसा नहीं लगया, शायद हो सकता है इसलिए ये बेवकूफ हो गया हमारे लिए, खर्चा क्यों नहीं हो रहा, सारे सियाने आते हैं भेड़ मार्केट से सस्ती बिकती हुई होवे ना, लोग उछल चाचा देते कोई रोला है सस्ती जो बिकती थी, ये जरूर कोई मसला होती, सेम हमारी यही पोजिशन हो गई, अगर हर बार देखने पर हमें हुक्म होता है कि इतनी कीमत अदा करो, हो सकता है फिर हमें कोई उसका एहसास होता, अभी तो हमने कोई खर्चा नहीं किया, जो खर्चा किए बिना चेहरों को देखो हज मकबूल का सवाब, और जो वालिदैन से प्यार करते होंगे इनकी खिदमत करते होंगे आते जाते सलाम करते होंगे, मौसम बदला मौसम के फल लेकर आया मौसम तब्दील हुआ कपड़े लेकर आए, अब्बा जी ये आपके लिए माँ जी ये तुम्हारे वास्ते चाहें, अम्मा जी क्योंकि तेरे वास्ते कहना है, अम्मा सही कपड़े पा गिनो, अम्मा सही फ्रूट खा गिनो, अम्मा सही सेब लगे
अम्मा सही उड़े से आ गई। अम्मा सही है कि मिनो जब वो बच्चा खिदमत करता होगा वालिदैन की, क्या खबर मौला उसे क्या क्या अता फरमाता होगा। वालिदैन जिंदा हैं, खुदा के लिए उनकी कदर करो। पर वक्त है वो औलाद जो अपने वालिदैन की कदर नहीं करती, जो उनको बेवकूफ करते हैं। वक्ती तौर पे तेरा गुजारा हो गया, तन बला के याद भी आ गए, चपल आदमी बेवकूफ आदमी भोंकता है, आए आए। इंग्लिश में कहते हैं टिट फॉर टैट, बदल का बदल। एक वक्त आएगा फिर ये ही बड़ा होगा, फिर इसके बच्चे खड़े होंगे और फिर ये डांटेगा और वो बच्चे कहेंगे भोंकता है। रसेंदन एक बंदा आपने आप पे गेम की किया दाड़ा पे काम किया होता है, अपने उनको बोरी जो बंद की तो बंद करके बोरी को उनको किया दरिया के चार बोलते खड़ो के जेड़े सटन लगे ना प्यू को सरा की समझे ना जेड़े सटन लगे ना। अब मोरी जी बोले अरे पुत्र की करता मैं, कहते अब तेन सीटन लगे, कहते इतने ना सीटी इतने ना सीटी, कहते क्यों, कहते तेरा परे करके सीट, कहते वो क्यों, कहते इतने मैं अपने प्यो को सीटिया सी। बंदे को पता नहीं होता कुछ ऐसा नहीं, जब ये सुना ना बोली बोली बाप को नहीं कहा अरे क्या कहा ने पुत्र सटे था क्यों नहीं, ना आपा ये बतीरा पढ़ने सी तू आपने क्यों दरिया सटी, मैं तेरे को सटे सा कल वाल मेरे बाल मेरे को सटे से ना क्यों लिहाजा मैं तू ही माफ कर दे मेरा मौला ही मैं माफ कर रहा अल्लाह। ये अदल का बदल है, शायद नौजवानों तुम्हें मेरी बात समझ ना आ रही हो, ये कानून कुदरत है, ये मकाफात अमल वाकई होता है। जब कोई बच्चा वालिदैन के साथ नेकी करता है खुदाए काबा की कसम बच्चे उसके साथ नेकी करते हैं। मैंने अपने घर में देखा है कि बच्चा मेरा बैठा है साथ साथ, ये कुमार साहब बैठे इन्होंने मेरी जूती उठा ली नहीं, मेरे कमरे में जूती पहन के नहीं आते, इसने अपने बच्चों को समझाया हुआ है ये अबू का कमरा है इसमें जूती नहीं, बड़े मासूम बच्चे हैं छोटे छोटे जूती उतार के कमरे में आते हैं। मैंने एक दिन देखा इसका बच्चा इसकी जूती सर पर उठा के फिर आता, मैंने कहा कि यार क्या करेगा बहन क्या हो क्यों उठा रहे हो मुझे दिखा, मुझे कहता ना बाबा जूती अंदर मेरे अब्बे की जूती है, मेरे अब्बे की जूती है। मैंने कहा वाह मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं कि वाह मारे क्या कानून है तेरा, मेरे बच्चे मेरी जूती सर पे रख के फिरते हैं इनके बच्चे इनकी जूती सर पे रखे। हम जो बोलते हैं वही काटते हैं। अपने वालिदैन से प्यार किया करो, ये जिंदा है इनको याद रखो, ये विसार कर जाए तो भी ना भूलो, तो भी ना भूलो। फरमाया बबिल वालिदैन ऐसा ना, वालिदैन के साथ भला करो। अच्छा भले की कोई लिमिट ही नहीं है, कितना भला करो, भला कीतिवन अकेले मेरा अब्बा लड़ दिया कि कोई कहा नहीं तू भला कर, अम्मा लड़ती है तू भला कर, मेरी अम्मा का भी है तू भला कर, मेरा बाप का पा है तू भला कर, तू उसके साथ बराबरी ना कर, तू भला कर भला कर, वो जिंदा है तू भला कर, वो बहुत हो जाए तो भला कर, अब मरने के बाद क्या भला है वालिदैन के साथ, बस मरने के बाद यही भलाई हो रही है जो हम महफिल सजा के बैठते हैं, ये भला हो रहा है। जिनको हम भूल जाते हैं ना वालिदैन को, अल्लाह फरमाते मत भूलो। आप देखें कि नमाज की इब्तदा कहां से करते हैं, सना से, मेरी बात पे गौर करना, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुके, नमाज की इब्तदा हो रही, कयाम मुकम्मल, रकू कामा सजदा जलसा सजदा
आखिरी तैयार में जब हम पहुंचे तो दरूद शरीफ पढ़ लिया। जब बंदा दरूद पढ़ लेता है तो फिर नमाज मकबूलियत के लम्हात में दाखिल हो गई। जब नमाज मकबूल हो रही है ना, मकबूल होने के बाद अब बंदे ने थोड़ी देर के बाद सलाम फेरना है, और सलाम फेर कर वो मुसल्ला लपेट कर या मस्जिद से बाहर चला जाएगा। मंशा है खुदाबंदी ये है, मंशा है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि सलाम फेरने के बाद नमाजी तू एक तरफ अपने मामला दुनिया में दाखिल होने से पहले तू क्या कर, जाने से पहले दुआ करता जा, रब्बाना गफिरली वाले वाले दैया, सुभान अल्लाह, क्या पढ़ा, रब्बाना गफिरली वाले वाले दैया। आगे सुन, चबल इंसानी चौधरी साल थी कहना अम्मा को बहुत है अजबा लम्मा का खत्म भी में देखे। मैं तो कहना साल बाद नहीं, अल्लाह की जो मंशा है रोज खत्म करो, और हर नमाज में सुन्नत में आखिरी तक तैयार, रब्बा ना फिरली वाले वाले दैया, फर्ज में रब्बा ना फिरली वाले वाले दैया, नफल में रब्बा ना फिरली वाले वाले दैया, फित्र में रब्बा ना फिरली वाले वाले दैया। और तो रहा, कभी कोई कानून आपने पढ़ा सुना है, रसूल कुनैन की तरफ से हुक्म हो जब तुम घर में काबा में आओ तो चूंकि उस वक्त सिर्फ ध्यान अल्लाह की तरफ हो, अब तुम काबे में हो, काबे में आके तुमने वालिदैन का तज़किरा और ज़िक्र खैर नहीं करना, नहीं, काबे में भी जाओ तो रब्बा ना उबिल्ली वाले वाले दैया, और भी मानो, और तो और रहा, मदीने आ गए, आए आला हजरत फरमाते थे हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबे का काबा देखो, अब काबे के पास आ गए, अरे यहां तो ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए, यहां तो ध्यान बस मुस्तफा की तरफ होना चाहिए, यहां आए हो रसूल के इसके रोजे की जियारत के लिए तड़पते रहे, फड़कते रहे, मचलते रहे। जिस नबी ने फरमाया मन ज़ारा कबरी वजबत लहू शिफाती, आज उस रसूल के रोजे पे हाजिर होकर बंदा खड़ा है और वहां जब नमाज पढ़ता है, वो चाहे जमात से हो, जमात के बगैर हो, वो चाहे नवाफिल की सूरत हो, फराइज की सूरत हो, जब वो आखिरी तैयार में पहुंचता है, बुखारी शरीफ, तरिंदी शरीफ, मिश्कात शरीफ, मुस्लिम शरीफ, सियासी तारकी आदि उठा के देखें कि कहीं ये हुक्मों के जब अल्लाह और उसके रसूल के घर में आओ तो इनका तज़करा ना करो, जिक्र खैर ना करो, नहीं, फरमाया नमाज तेरी तब कम्पलीट होगी कि जाने से पहले तू ये दुआ मांग, रब्बा ना लो बिरली वाले वाले दैया। बेटा मक्के चे मुंतज़िम के सामने बैठा है, हैं, मुंतज़िम के सामने बैठा है और क्या कह रहा है, रब्बाना उफिल्ली वाले वाले माँ तो भूलो ही नहीं, माँ क्या बोला, बोलो ना माँ, क्या मोहब्बतों का रिश्ता, अगर मोहब्बत का दूसरा नाम आपने लेना हो तो उसको माँ कहते हैं, क्या कहते हैं भला, माँ, बोलो ना माँ कहते हैं। अल जन्नत ताज़ा अकदाम उम्मा, रसूल कुनैन सस्म फरमाया जन्नत माँ के कदमों के थल्ले, आए आए भला, माँ के कदमों के नीचे
है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें हुजूर को किसी की मोहब्बत और चाहत की जरूरत है। मजमे में ऐसे दोस्त बैठे हैं जिन्होंने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की होगी, मगर वो चंद दोस्त होंगे जिन्हें ज़ियारत नसीब हुई होगी। मजमे में शायद ही कोई ऐसा बैठा हो जो ये दावे से कहे कि मैंने खुली आंखों से मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। ऐसे बंदे शायद कोई बैठा हो, मैं नहीं कह सकता, ख्वाब वाले बैठे होंगे, खुली आंख वाले शायद। नहीं देखा। इसके बावजूद जब नामूसे रिसालत की बात आती है, हम मर मिटने और कटने को तैयार हो जाते हैं। ये बात को समझना, खत्म नबूवत की बात आती है, हम कटने और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, एक तो था ना नमाजी आदमी, एक था कुरान पढ़ने वाला, एक था अल्लाह वो करने वाला। चलो कोई बड़ा इबादत गुजार शाबेदार नेक आदमी है, बड़ा बारिश आदमी है, क्योंकि आजकल दीन रह गया है दो चीजों में, किस चीज में, दाढ़ी में और पांचा ऊंचे में। पांचा हो गए इक्का तक आदमी बंदा दीनदार है, दाढ़ी छुट्टी हुई हो गई आदमी बंदा दीनदार है, ते दाढ़ी कह नहीं ते पांचा जीका है आदमी लख दिया है, एक दीनदार है। चाहे दाढ़ी इतनी हो, पांचा यहां तक हो, चाहे वो ड्रग स्मगलर हो, वो चाहे किडनैपर हो, वो चाहे टारगेट किलर हो, वो नामुराद क्या कहलाता है, बड़ा दीनदार है। खुदा की कसम दीन इसमें नहीं पड़ा और दीन ऊंचे पांचे कह नहीं पिया, समझे ना। दीन ये है कि तेरी नमाज, तेरा रोजा, तेरा हज, तेरी ज़कात, तेरा ज़ुहद, तेरी बंदगी, तेरे सजदे, तेरी रियातें, तेरे मुजाहिदा, तेरी शाबेदारी, तेरे कल्ब और रूह को मुनव्वर कर देना। मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि शाबेदार रोजादार बंदे नामूस रिसालत के लिए बाहर आ जाए तो चलो एक अलग चीज है, मगर जब बात नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत की आती है ना, हमने अपनी आंखों से देखा, कश लगाने वाले, चुस्कियां लगाने वाले, बात समझ रहे, चुस्कियां लगाने वाले, कश लगाने वाले, और वो बंदे के जिनके बारे में हम लाख कहते थे मिम्बरों में बैठ के, बड़ा बेईमान आदमी है, फलाना है, वो सबसे पहले कह रहा है नबी के नाम पे सलाम होनी, हुजूर के नाम पे वो कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाता है। इस दीवाने से पूछ, तूने हुजूर को देखा है, मोहब्बत तो की जाती है, बंदे ने देखा तो होना मामूम को, है मामूम को देखा भी नहीं, आने देखे इतना प्यार आवाज। मैं ये बताना चाहता हूँ, वक्त नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ वो हमारा नजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको नहीं देखा, इसके बावजूद हम उसे क्या करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। यार असा तो रिठा कह नहीं, जिन्हें रिठा हो, जिन्होंने देखा होगा, आओ मेरा निशा से पूछो, लम्हा लम्हा दीदार रसूल करने वाला मेरे अली शाह अलैहि रहमत, जब दीदार ने जरीब ने ना हुआ, रोटी बोल गई है, खावण बोल गए, मेरे अली शाह दी मेदर छोड़ गई है, अगली रो के धार अगली सदे आज से पवित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास अंधेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइया आय आय मेरा निशा दिन को क्या है, वो कभी भी लगनी अरे कोई ना, नेदर नहीं भी आनी अरे कोई ना, है क्या गाल के आके हजूर की या सताई नैना लाइया क्यों झड़िया झड़ी रूप को आते हैं, जुमेरात को जुमेरात, बारिश बसे असादे झड़ी लग गई, हफ्ता बसे असादे झड़ी लग गई, आधे झड़ी नहीं झड़िया, नैना लाइया क्यों क्यों झड़िया आए आए आए, क्या है अरे हुजूर बड़ी याद आ गई भैया, जेड़े धाड़ अपनी है ना, खुदा की कसम दीवाना जेड़े तड़प दे तार मदीने खड़े गई। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजाब हटाया,
दीदार अल्लाह फरमाया। जब चेहरा रसूल को देखा ना तो देखकर क्या कहा, इस सूरत में मैं जाना था या जाने जाना था, सच आखा रब की मैं शाना था, जिस शान की शाना सब बढ़िया। फासले नहीं होते, या तो बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला एक कदम जमीन पर रख कर दूसरा उठाकर यूं खड़े। बहाउद्दीन नक्शबंद सिलसिला नक्शबंद के मानी पेशवा, एक पांव रखा दूसरा उठाया हुआ है और कहने लगे, अल्लाह तूने तो, तेरी तो जमीन ही इतनी छोटी है, तेरी खुदाई इतनी छोटी है, एक पैर रखे भी आप पैर रखा नहीं, जगह ही कह नहीं, मैं किथा रखा, एक तो कायनात ही इतनी छोटी है, मैं दूसरा पांव कहां रखूं, दूजा पैर रखा नहीं, कहां ही कह नहीं, अल्लाह बहुत बस मेरे इशारे के लिए कोई फासला नहीं, कर्म किया और फरमाया मुख चंद्र बदर शाह शानी है, मध्य चमक दी लाट नौरानी है, काली जुल्फ होते हस्तानी है, मखमूर रखी इन मत बरिया अगर सुहान अल्लाह। मेरे निशान ने देख कर कहा, अरे आन देखो आज आप भी सुहान लगे, खुदा की कसम का आप भी देख कर सुहान लगे, सुहान अल्लाह सुहान अल्लाह, मां अजमल का मां कमल का मां अरसन का आका कितने मेहरे अली कितने तेरी सना फरमाया, बिलाल जी सोना
तेरे को सारी याद नहीं आनी, तेरे को सारी याद नहीं आनी, अरे महबूबा अरे महबूबा बदबخت ہو جی کو تواری یاد نہ آئے اکے وہ بلال بڑے دین ٹھیک ہیں شکل نہیں میری کہیں مدینے آویا شکل دکھاویا بلال حبشی نے سنے نا آپ نے تیاری کرنی آپ کلی تو شور مچا دیا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ آپ نے تیاری کی مدینہ طیبہ کی سواری پکڑی اور آپ نے سواری پہ کاٹھی ہی نہیں باندھی شور مچایا ہوا ہے وہیں سے دیوانہ آپ روتے آ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ مدینہ طیبہ پہنچے جڑے اتنا جو آئے نا پھر دوڑ کے آئے انہیں آ کے بھائی ابو جڑے نا اس دن مسجد مسجد بیٹھا مسجد خالی ہے مسجد خالی ہے انہوں نے کہا اچھا 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 حضور میں گسٹے حضور حسین وہاں جو کیا کیتے ممبر بیٹھے ممبر خالی آنکھے وہ بنا رہا ہو سکتے تیری نیر ختم تھی گئی ہو تیری بنائی ختم ہو گئی ہو حضور نے بلایا حضور تو ہوں گے نا بلال حبشی یوں ہاتھ بھائے 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 ممبر رسول پہ یوں ہاتھ پھیرتے پھر رہے ممبر خالی اب بڑے پریشان اب حجرے کی طرف کہ حضور کو آواز درود پڑھا کرتے تھے کیونکہ اے او دارے کا کنڈی بجاون منع ہے کنڈی بجاون اور میں یہاں ایک چھوٹی سی بات پہ بات کرتا جاؤں آپ مزارات پہ جاتے ہیں بعض لوگ جا کے مزار کی کنڈی بجاتے ہیں تاکہ صاحب مزار کو بتاؤں میں آ گیا ہوں اوئے جھلیا تو گھر اٹھ رہے ہو پتا یاد آتا ہے کنڈیاں نہ بجائیں جاتا کیا ایک شاعر آ دیا کہ بھیا کے سچ مار سائیں کو جگا پھر آج کی شکل آواز مار کے مصطفیٰ کو کام جبریل کہہ رہے آواز مارو اکے بھیا کے سٹ مار سائیں کو جگا بے ادبی نہ ہوگے جے کنڈا حرام اکے خدایا کے بیٹھوں اوے جگا من سکھاوا خدایا کے بیٹھوں او جگا من سکھاوا ادب کر ونی دے محمد حضور تو وصال فرما گئے آپ مجھے حضور کی قبر حضرت کی زیارت کراؤں حالانکہ پتا ہے مدینے میں تھے اس وقت سارا پتا ہے پر دل نہیں منے گا دل نہیں منے گا بھی آپ اسے چھٹ کے کہا کیا کہہ رہے ہو میرا یار ٹوڑ تھوڑی ہے میرا یار ہے بھی آپ
और मुझे अभी मुल के शाम से बुलाया। अल्लाह साहबा का गीता और ईमान देखते हैं कि नबी जिंदा है। सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था जब वो आए ना कब्र मुस्तफा सल्लम पर देखा निपड़ गए सारों कतार रो रहे हैं रो रो के आदना जब महबूबा देखो मुल के शाम तू सारी के खुद बुरके पाली दे इतनी देर में मदीने में कुरान मच गया बिलाल आ गए बिलाल आ गए बिलाल आ गए। अच्छा बिलाल या रज़ी अल्लाह तआला की हालत ये थी कि जब आप बाजार मदीना में जाया करते लोग हजरत बिलाल को देखकर समझ कर जाया करते कि मुस्तफा आका मदीने में। बिलाल जब नजर नहीं आते लोग समझ जाते कि हुजूर भी मदीने से गए हुए। यानी यूं मैं आप अरबन कहें बेअदबी कहें इसे मैं तकीदत और मोहब्बत में ये लफ्ज कह रहा हूँ कि आका और गुलाम लाजम हो मनसूम थे। मुस्तफा नजर आते तो समझो बिलाल आ गए हैं बिलाल नजर आते तो समझो मुस्तफा। शोर मच गया शोर मच गया बिलाल आ गए सब इकट्ठे हुए मदीने में बाहर आ गई बिलाल आ गए भाई। अब सब ने कहा अजान दे दो बिलाल कह रहे मैंने तो अजान नहीं देनी बड़ा मजबूर किया नहीं माने। एक साहबी मशवरा देते उन्हें कहीं नहीं कहना मुझे सीधे को पता नहीं था आशिक बंदा है वो महबूब नजर नहीं आया इसने किसी की नहीं मानी फिर क्या करें मैंने हसनैन करीमैन रहीमैन को लेकर हसनैन करीमैन रहीमैन को लाया गया। एक शहजादे ने इधर से इधर ने इधर से इमाम हसन ने ये हाथ पकड़ा हुसैन ने इधर का पकड़ा कि ये हाथ चूम रहा है वो ये चूम रहा है आगे चचा बिलाल बाँ दसना हुआ। उन्होंने जब प्यार से कहा तो आपने रोकर फरमाया मैं सबको इनकार कर सकता हूँ तुम्हें इनकार नहीं कर सकता। दीवानों अजान देनी शुरू की जब अल्लाह अकबर की आवाज आई ना मदीने में कोहराम मच गया छोटे बड़े बूढ़े गलियों और बाजारों में आ गए। लोग बताते हैं कि उस दिन का जो आलम था उसके बाद हमने मदीने में फिर मुसलमान नहीं हुआ। आलम ये था मासूम बच्चे अपनी माँ को पकड़ कर कहते अम्मा बिलाल तो आ गए हैं क्या मुस्तफा भी आ गए हैं। बिलाल तो आ गए अम्मा क्या मुस्तफा भी आ गए। ये आलम था जब बड़ा शहर वो अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह मिंबर को देखा मिंबर खाली था चीख मारी गिरे बेहोश हो गए उठे साहबा ने कहा क्या बात है तैयारी करके जा रहे हैं कर बिलाल भी रहते हैं यार एक तो हजूर हमें छोड़ गए हैं एक तू छोड़ के जा रहा है तुझे देख के महबूब की यादें आती हैं ना जा यार। आपने फरमाया मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ महबूब का फिराक बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह मैं बताना ये चाहता हूँ सहाबा का इश्क देखें एक किस किस सहाबी का तज़किरा करें हमारी जिंदगी ये तमाम हो जाए मगर खुदा की कसम इनका जिक्र खैर तमाम नहीं हो सकता। एक एक सहाबी का अलग अलग इश्क एक सहाबिया दौड़ी हुई आई चलो ये तो सहाबी थे सहाबिया दौड़ी आई उम्मुल मोमिनीन से कहा उम्मुल मोमिनीन दिल बड़ा बेचैन है मेरा मुझे हुजूर की तैयार करा दो। उम्मुल मोमिनीन पर हाथ लिया मैंने कहा वो तो विशाल फरमा गए कहती उनकी कब्र की तैयार करा दे मुझे। आप फरमाती मैंने हुजरा खोला वो सहाबी अंदर आई और उसकी चीखने की आवाज थोड़ी देर के बाद आवाज बंद हो गई मैंने इसको क्या हो गया। आप फरमाते हैं मैं जो गई मैंने देखा वो कब्र रसूल से लिपट कर मरी पड़ी है अल्लाह हो गया फिराक रसूल बर्दाश्त नहीं। बताना ये चाहता हूं अर्ज हो औरत हो अभी मैंने वाक्य बताया छोटे छोटे मासूम बच्चे रो रो कर माँ को कह चुके अम्मा अम्मा बिलाल आ गए मुस्तफा भी आ गए और मेरे आका वजह एक एक से प्यार भरमाते जब हजूर मदीने में आते तो सवारी से सवार होते अल्लाह अकबर छोटे छोटे बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे
और वो गर्द गुबार में अटे हुए बच्चे मेरे नबी की आमद को देखते और वो शोर शोर मचाते, मरहबा या रसूल अल्लाह, मरहबा या हबीब अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह। मेरे आका सवारी को इरशाद फरमाते, बैठ जा। सवारी बैठ जाती, मेरे नबी नीचे उतरते। नीचे जब उतरते वो बच्चे भाग कर मुस्तफा से निपट जाते। कोई अबू चिपड़ा पाए, कोई पिछू चिपड़ा पाए, कोई इनू चढ़ा पाए। हजूर ने किसी को मना नहीं फरमाना। और फिर क्या करना, बच्चों को बुला कर अपनी सवारी पे बिठाना। सवारी सवारी मुस्तफा की नहीं देखा, ये अरबी है, नहीं देखा आदमी है, नहीं देखा सरदार है, कुरैश का बच्चा है, नहीं देखा गुलाम इब्ने गुलाम है। गुलामों के बच्चों को हुजूर ने वहां बिठाना। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर। और जिस बच्चा जो बच्चा रह जाता था, हुजूर फरमाते, अच्छा सब्र कर, अगली दफा को बने सारा। कितनी मोहब्बतें बांटी। बताना ये चाहता हूँ अहबाब, जानवर पत्थर मुस्तफा से प्यार करते, इसके बावजूद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त अबवा के मकाम पर जब पहुंचे फतह मक्का के लिए, हजूर जब जा रहे हैं, हजूर ने फरमाया आज इतना ही रास्ता। सहाबी कहते हैं साथ मुझे पता क्यों रोके, जंगल बयाबान ने हजूर ने पड़ाव डाल दिया। हजूर वहां उतरे और उतर कर क्या किया, एक पहाड़ी पे चढ़ गए। सहाबी आदे लजपाला कितना टूरे में दियो, बाबू कहाँ जा रहे हो? फरमाया मैं यहाँ मेरी अम्मा की कब्र है, मैं उसकी जियारत करने जा रहा हूँ। और हजूर वहां से शरीफ ले गए। सहाबी कहते हैं मैं देखकर हैरान हो गया, तू जहां आता सरदार उतर कब्र पे बैठ के ते अम्मा ना गाली करने बैठी, बातें कर रहे हैं और रो कर फरमा रहे हैं अम्मा मेरे को तेरी दाढ़ी याद आती है, हाय अम्मा मैं तुझे नहीं भूला, अम्मा देख तो सही तेरे पुत्र को रब ने कितना शाना अता फरमाई, मेरा दिल करे दे तू होया तू देखिया मेरे को किमें सेरे बहुत आए आए आए। क्या आलम होगा, मुस्तफा का ससुर मां रो रहे हैं, अपनी वालदा से बातें कर रहे हैं, यार इश्क है अम्मा मुझे तेरी बड़ी याद आ रही। कोई ये समझे हजूर से कोई प्यार ही ना करता होगा, हजूर को इसलिए अपनी अम्मा याद आती होगी। हजूर यतीम जुड़े यतीम थे, कोई मोहब्बत नहीं करता जैसे यतीम को दुलारा जाता है, इसलिए हजूर को अपने अब्बा याद आते होंगे, अपनी माँ याद आती होगी। कोई यार मैंने बताया सदियां गुजर गई, अरे हमने देखा ही नहीं, इसके बावजूद तन मन धन मुस्तफा पे कुर्बान करने के लिए हम तैयार रहते हैं हर वक्त अल्लाह हू अकबर। अरे ये तो हमारी हालत है, और जिन्होंने देखा होगा उनका क्या आलम होगा। अरे अर्श वाले देखते हैं तो मुस्तफा पे भी साथ जाते हैं, अर्श वाले देखते हैं मुस्तफा पे भी साथ जाते हैं। या रसूल अल्लाह क्या बात है, सभी तो आपसे प्यार करते हैं, फिर माँ की मोहब्बत क्यों याद आ रही है? मेरे आका फरमाने ओए सब दिया मोहब्बत एक पासे, माँ की मोहब्बत एक पासे। अफसोस पर अफसोस, क्या शान अल्लाह ने वालिदैन को अता फरमाई। ईद का बड़ा दिन था, हम शायद उनकी कब्रों पे भी नहीं गए होंगे। अल्लाह अकबर। और मेरे आका फरमाते हैं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईशा पढ़ रहा होता, मेरी माँ मुझको आवाज देती या मुहम्मदा या मुहम्मदा, मेरी माँ मुझको आवाज देती। फरमाया खुदा की कसम नमाज तोड़कर मैं अपनी माँ को जवाब जवाब दे माता। अल्लाह अल्लाह क्या रिश्ते। तो अहबाब साल बाद नहीं, मैंने कहा तो रिवाज हो गया ना कि बोल हुए इधर और इधर ही भूल भुला गए हम, हमें तो पब जी से जान नहीं छूटती, एक ताक से जान नहीं छूटती। नौजवानों इस एक ताक ने तुझे कुछ नहीं देना, नौजवानों इस पब जी ने कुछ नहीं देना, नौजवानों खुदा की कसम इन ठुमकों के अंदर कुछ नहीं पड़ा, खुदा की कसम इताते शैतान और इताते नफ्स के अंदर कुछ नहीं पड़ा, जो कुछ पड़ा है इताते खुदा में पड़ा है, जो कुछ पड़ा है इताते मुस्तफा में पड़ा है। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, मोहब्बत करो, तन मन धन वार दो, प्यार कीती मन अपने नबी नाल कीती मन कीती मन कीती मन। क्या कानून बता दिया, हर नमाज एक तो नमाज की पाबंदी करो, पांच गाना नमाज पढ़ो, और हर नमाज के आखिर में क्या कहो, दुआ मांगो रब्बना रब्बिली
में दुआ मांगो, आए क्या दुआ का अंदाज है, अल्लाहुम्मा अग्फिर लि हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गायबना व सगीरना व कबीरना व ज़ाकरना व उन्साना। आगे मंगी वाले मंगी वाले मंगी वाले। मेरा इस मसले पर नेट पे मुफसल बयान है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, इसी नमाज जनाजा पे 1.5-2 घंटे का बयान है। गुजारिश कर रहा हूँ, एक वो नेक और खुशबख्त औलाद है जो अपने वालिदैन को याद रखती है, और खुदा की कसम नेक औलाद सदकाए जारिया है। क्या कहा? सदकाए जारिया। खुदा का वास्ता ही अपने बालक को मस्जिद लिखाओ, अल्लाह का वास्ता है अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने पबजी खेलते तुम्हें खुशी, तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे सारी रात बार गप्पे लगाते तुम्हें पता ही, लेट नाइट बच्चा आता है कभी पूछा है पिता मर गया हमें कहाँ रह गया था, आखिर जी मैं पूछता कब पूछना शुरू किया, जब वो पूछने की उम्र खत्म होगी उसकी, जब वो आंखें दिखाता है। छोटा सा बच्चा है, मुझे परसों एक दोस्त ने कराची से क्लिप भेजा है अपने बच्चों का, उसके जुड़वा बच्चे पैदा हुए, वो बच्चे मेरे ख्याल में 2 साल के होंगे, आप यकीन करें दोनों बच्चों के सर पे उसने हमारा सिलसिले का ताज रखा हुआ और उसके सामने बैठ के अल्लाह करा रहा है, कह रहा है बेटा अल्लाह करो, और वो बच्चे जना झूम झूम के कह रहे हैं अल्लाह करो अल्लाह करो। आज मैं अल्लाह सिखाओगे बच्चे अल्लाह करे, हमारा कसूर है, ये कब्रें क्यों उजड़ गई हैं, इसमें हमारा कसूर है, हमने अपने बच्चों को हिदायत का पैगाम ही नहीं दिया, हमने नमाज की तलकीन ही नहीं की, हमने इश्के खुदा के बीज ही नहीं बोए उनके सीनों में, हमारा अपना जाती जब काम नहीं होता तो बच्चों पर बरसते हैं, बिगड़ते हैं, नाराज होते हैं, खपा होते हैं, पनिशमेंट देते हैं। जब बच्चा नमाज नहीं ना पढ़ता, जब बच्चा हुजूर की इताअत नहीं ना करता, कभी मस्जिद से वाट आया है, गुस्सा नेमत है मगर कब नेमत है, जब अल्लाह उसके रसूल के लिए आए, अफसोस है अफसोस जात के लिए गुस्सा आता है, कभी अल्लाह उसके रसूल के लिए गुस्सा नहीं आया। काइंडली अपने बच्चों की हिदायत का ख्याल करो, इनको अच्छों की सोबत में लेके जाए। ये बच्चा शायद सा छोटा सा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह व्यवस्था हुआ, और व्यवस्था होने के बाद रेगुलर आता आना जाना रहा, और उसका रिजल्ट देखे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा बच्चा, गाँव वालों शायद तुम्हें पता ना हो उस बच्चे का, मैं कई इलाकों में गया, आप यकीन करें अल्लाह के घर में खड़ा हूँ, मैंने इसके फ्लैक्स लगे हुए देखे वहां पर, दिल बाग बाग हो गया मेरा, मैं कि बाजी बाग क्या है वो बाटा पुट है मुझे है काला कूदर क्या नाम है बाटा पिंड, ये शायर साहब के वहां पर किताब के लिए लगे होते, डेढ़ दो दो घंटा ये बच्चा बोलता है, अमीर कर देता है कुरान और हदीस की रोशनी है, और बड़ा इसका नाम है, ये कितना कर्म नहीं तो क्या है, ये सोबत का नतीजा है, द मैन इज नाउन बाय द कंपनी कीप्स, आपने अपनी सोबत से पहचाना जाता है, अच्छी सोबत अच्छा रंग लाती है, और फिर आप यकीन करें लोग जाते हैं अपनी निस्बत किसी को बताने को तैयार नहीं होते, क्यों तुम्हें शर्म आती है, तुम्हारा मुर्शिद है, तुम्हारा मुर्शिद खुदा ना खास्ता दहरिया है, तुम्हारा मुर्शिद फराड़िया है, तुम्हारा मुर्शिद चोर है, तुम्हारा मुर्शिद बदअमल है, वाली किरदार है, अगर ऐसा है तो बेहतर दिल करो अपनी, जब तुम्हें पता है हमारा मुर्शिद शरीयत का पाबंद है तो बताया करो इदा मुरीदा मैं गुनाने का मुरीदा, और कमाल आफरीन है, मैं अभी तबलीग पेश करूंगा इस मजमे के अंदर खड़े होगी इस बच्चे को, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा मिनहाज कुरान यूनिवर्सिटी में, सबके साथ इसका नाम ही जानते, इसको क्या यूसफी साहब, एक दिन प्रोफेसर साहब ने इसे बुला लिया, आपको सारे स्टाफ हर बच्चा स्टूडेंट आपको यूसफी कहता है, इसकी क्या वजह है, इन्होंने बताया कि यूसफी की वजह यह है, यूसफी मेरी निस्बत है, फखर से बताया कर, फखर से, जो बंदा फखर से बताता है अल्लाह मुर्शिद का सदका रंग लगा देता है, रंग लगा देता है, तो बेहमदी ताला नेक और साले औलाद सदका जारी, ये उसी निस्बत का रिजल्ट है, आज फकीर भी आया खड़ा है, आदर हिदमत हुआ खड़ा, वरना कहा ना होता है, आज की शख्स में शिरकत करने वालों फकीर दावत से फिक्र देता है, अपने वालिदैन से प्यार किया करो, इनकी खिदमत किया करो, इनको गाली ना दिया करो, अल्लाह फरमाता है वो भी ना करो, ये जिंदा रहे इनकी खिदमत करो, जब इसार कर जाए तो फिर क्या करो, इनको लम्हा दम्हा इसारे सवाब करो, पहले अगर जिंदगी में गलती करते थे अब गलती ना करना,
तुम्हारी गलती उनको तकलीफ देती है कब्रों के अंदर, तुम्हारी नेकी से उनकी कब्रों पर रहमतें बरसती हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक तआला जिनके वालिदैन फौत हो गए उन्हें मग़फ़रत का परवाना अता फरमाए, और जिनके वालिदैन जिंदा हैं अल्लाह ताला उनकी उम्र में और सेहत में बरकत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।